कोई हार गया, कोई जीत गया, और आखिरकार ये साल भी बीत गया। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी, और मेरे साथ मेरे सहयोगी विजेंद्र भी बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया के साथ हिंदुस्तान भी नए साल के स्वागत की तैयारी में व्यस्त है। देश के कोने कोने से मिल रही तस्वीरों से इस बात की गवाह है कि कोरोना की दहशत के साए से मुक्त हुआ देश साल 2023 का स्वागत धूमधाम से कर रहा है। साल का आखिरी दिन शनिवार होने के कारण अवकाश का दिन पड़ गया, इसलिए पूरे दिन यही दृश्य दिखाई पड़े। देश के तमाम शहरों और मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं जो मन को बहुत सुकून देती हैं। एक वो तस्वीर दिखाई पड़ती है जहां जश्न की तैयारियां चल रही हैं या जश्न मनाया जा रहा है। नए साल का स्वागत के साथ, खुशियों के साथ उसका स्वागत किया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर वो भी दिखाई पड़ती है जिसमें भगवान के मंदिरों में जाकर लोग पूरा साल ठीक से पूरा होने के लिए उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं और भगवान से दुआ भी मांग रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि हम अपनी परंपराओं से कटे नहीं हैं। नई पीढ़ी को लेकर भले ही तमाम टिप्पणियां की जाती है, कई बार आरोप लगते हैं कि परंपराओं से भटक रही है नई पीढ़ी, लेकिन ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि हमारी नई पीढ़ी भी अपनी परंपराओं से बहुत गहरे से जुड़ी है। मंदिरों की भीड़ में भगवान के दरवाजे पर वो पीढ़ी भी दिखाई पड़ रही है जैसे तमाम उम्मीदों के अनुसार जश्न की भीड़ में होना चाहिए था, लेकिन वो पीढ़ी हमें भगवान के दरवाजे पर भी दिखाई पड़ती है। इसलिए हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति सब हमारी दुनिया पर भारी पड़ते हैं। चलते हैं उस सफर पर और दिखाते हैं कैसे हम नए साल के स्वागत का जश्न भी बना रहे हैं, भगवान के दरबार पर पहुंचकर जयकारा भी लगा रहे हैं। जश्न और जय। तो 2022 का आज आखिरी दिन, 2023 अब दरवाजे पर खड़ा हुआ है विजेंद्र जी। और दर्शकों को दिखाते हैं दो अलग अलग तस्वीरें, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं जहां पर दो जगह से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। जश्न में डूबे हुए लोग पहली तस्वीर, और दूसरी तस्वीर जहां अपने आराध्य के दरवाजे पर अपने आराध्य को मनाने, अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए तमाम भक्त मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, जैन तीर्थकर जा रहे हैं। अब ऐसे में ये अलग अलग सभ्यता भी यहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि विजेंद्र कहा जाता है भारतवर्ष तमाम धर्मों, तमाम संस्कृतियों को मिलाकर एक भारतवर्ष बनता है, इसलिए उसे भारतवर्ष कहा जाता है। ऋषभ, नए साल का जश्न है, अमूमन माना जाता है कि लोग पार्टीज करके, एंजॉय करके, शराब पी के जश्न मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में दोनों तरह की परंपराएं हैं, एक भारत की परंपरा है, एक इंडिया की परंपरा है। भारत में जहां लोग भगवान महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं, एमपी में ओमकारेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं, मैयर में मां शारदा के दर्शन करने जा रहे हैं, इंदौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां खजराना गणेश के दर्शन करने जा रहे हैं, तमाम वो जगह जहां से लोग आशीर्वाद पाना चाहते हैं भगवान का, खास तौर पर वो चाहते हैं कि क्योंकि 2023 अच्छा बीते और जो बीता है 2022 उसके लिए भगवान को धन्यवाद भी दे रहे हैं। तमाम मंदिरों में भीड़ है, चाहे वो बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर हो। उज्जैन में हरसिद्धि मंदिर भी है, वहां भी भीड़ होती है। चिंतामन गणेश का मंदिर है, ओमकारेश्वर का मंदिर है, भोपाल के तमाम मंदिरों में भीड़ है, इंदौर के तमाम मंदिरों में भीड़ है। तो कहीं ना कहीं जनता जानती है कि भगवान के बिना उनका कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने जय की बात की, तमाम अब भक्त जो है मंदिर जा रहे हैं, अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं, और मैं बात करूंगा जश्न की। जैसे अगर मैं इंदौर की बात करूं तो इंदौर में तमाम ऐसे पब हैं जहां पर अब सेलिब्रेशन का टाइम भी फिक्स कर दिया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, शराब दुकानों की लिमिटेशन तय कर दी गई है। भोपाल की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, हुक्का बार बंद हो चुके हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जश्न मनाने नहीं दिया जाएगा। जैसा हम अपने दर्शकों को दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जश्न और जय की। जय की बात तो ब्रजेंद्र ने बता दी, अब मैं जश्न की भी बात बता दूं कि पूरे तरीके से अब तैयारियां कर ली गई हैं, आतिशबाजी से लेकर तमाम शहरों में बातचीत कर ली गई है, तैयारियां कर ली गई। जबलपुर के भेड़ा घाट में सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है, इंदौर में जितने भी पब हैं, हालांकि इंदौर को
मिनी सिलिकॉन वैली कहा जाता है रीजन मध्य प्रदेश की, वहां पर भी बहुत धूमधाम से चीजों को मनाया जाता है। ग्वालियर में भी तमाम ऐसे मंदिर हैं जहां पर साज सज्जा के साथ बाकी के अरेंजमेंट भी कर लिए गए हैं, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है तो वहां पर भी बहुत अच्छे अरेंजमेंट कर लिए गए हैं। ब्रिजेंद्र ऋषभ, सबसे बड़ी बात यह है कि शिरडी में खासी भीड़ है लोगों की, वैष्णो देवी में खासी भीड़ है, तमाम जो मंदिर है, तमाम देवालय है वहां पर लोग शीश नवाने जा रहे हैं, गुरुद्वारों में भी भीड़ है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्लेसिंग्स हैं वो ली जाए भगवान के जरिए, और वो इंजॉय करना चाहते हैं नए साल को, भगवान के आशीर्वाद को पाना चाहते हैं। ये उज्जैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उज्जैन के महाकाल लोक की, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, करोड़ों की लागत से इस पूरे एरिया को बनाया गया है जिसका नाम है श्री महाकाल लोक, 800 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना है, तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं और 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं कल नए साल के मौके पर। पिछले 3 दिनों से सारे होटल्स बुक हैं उज्जैन के, तमाम श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल जब से, और ये भी सुनने में आया है कि उज्जैन में जो दर्शन कराए जाएंगे वो 3 लेयर में कराए जाएंगे और 2 लाख श्रद्धालुओं को 40 मिनट के अंदर अंदर दर्शन करा दिए जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा रेंज दिखा रहे हैं जहां पर जो युवा पीढ़ी है वो कितने अलग अंदाज में नए साल को मना रही है। 2022 का आखिरी दिन आज, और आज रात 12 बजे से 2023 का जश्न शुरू हो जाएगा और इसकी तैयारी युवाओं में बड़ी धूमधाम से देखने को मिल रही है। ब्रजेश, जैसा कि पब में हम नजारा देख रहे हैं कि भीड़ काफी ज्यादा है, आजकल की जनरेशन में जो जश्न का माहौल है, जो जश्न का तरीका है वो पूरी तरीके से अब चेंज हो चुका है। हालांकि अब हम 5G में प्रवेश कर चुके हैं, 5th जनरेशन में, 5th जनरेशन में हम जा चुके हैं, तो सारी चीजें अब मैनेजमेंट के हिसाब से बदलती जा रही हैं। जहां 2G से 3G, फिर 4G, फिर 5G में हम आए हैं, तो जनरेशन के साथ साथ जहां स्लेट हुआ करती थी अब वो आईपैड में पढ़ाई हो रही, तो लाजमी है चीजें बदलेंगी। पर अच्छी चीज यह है कि हम आईपैड पे आ गए, आईफोन पे आ गए, लेकिन हम भगवान से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है, और यूथ भी भगवान से जुड़ा हुआ है, वो चाहता है कि भगवान उसके साथ रहे, उसको आशीर्वाद दे। 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये तस्वीर है पब की जहां लोग इंजॉय करेंगे, साल का आखिरी दिन है, लोग इंजॉय करके गुजारना चाहते हैं आखिरी दिन को, नए साल में प्रवेश करेंगे 12 बजे के साथ ही, तो तमाम चीजें हैं, तमाम लोग जो है वो जश्न में डूबे हुए हैं। और खास तौर पर मैं जिक्र करूं मंदिरों का, तो मंदिरों में खासी भीड़ है, उज्जैन के महाकाल मंदिर के अलावा ओमकारेश्वर में काफी भीड़ देखने को मिल रही है, श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं, खजराना गणेश में काफी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों में भीड़ है, छत्तीसगढ़ के मंदिरों में भीड़ है, आप अगर बात करें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, खासतौर पर वैष्णो देवी और शिरडी के साईं बाबा का जो मंदिर है शिरडी में, उसके दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जो संख्या है वो कम से कम 30 से 40 लाख भी हो सकती है, क्योंकि ऋषभ इस मायने में भी खास है ये नया साल, क्योंकि कोरोना का साया पिछली बार ज्यादा था, इस बार भी है लेकिन इस बार थोड़ा कम है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ब्रिजेंद्र, जैसा कि आपने कोरोना का जिक्र कर दिया है तो वो बहुत विभत्स दृश्य था, उस दृश्य को हर कोई याद नहीं करना चाहता। हालांकि अभी भी दर्शकों से मैं बता दूं कि सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, दबाव नहीं बनाया जा रहा है, भ्रमित नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये सच है, लहर आ सकती है और इसमें आपको सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये न सिर्फ आपके फायदे की बात है बल्कि आपके परिवार के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप भीड़ भाड़ में जाइए लेकिन अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए। ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं मंदिर की, जहां पर लंबी लंबी कतारों में अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंचे। और मंदिरों में और अलग अलग जगह से हम आपको तस्वीरें बताएंगे, अलग अलग जगह से विजेंद्र हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं, इंदौर से कविता हमारे साथ जुड़ रही हैं, रायपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और दिलीप साहू, और जबलपुर से भी हमारे अरविंद सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कविता के पास चलते हैं, इंदौर का क्या नजारा है उनसे जान लेते हैं। विजेंद्र कविता, हमारी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? कविता, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, मिनी सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, लंबी लंबी इमारतें, बड़े बड़े पब, लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर, कैसा जश्न की तैयारी 2023 दस्तक देने वाला है? कविता, बिल्कुल ऋषभ, 2023 दस्तक देने वाला है, और सबसे पहले मैं आपको इंदौर के खजाना गणेश जी के दर्शन करवा देती हूँ अपने दर्शकों को, जो कि ये सिर्फ देशी नहीं विदेश में भी खजाना गणेश प्रसिद्ध मंदिर है,
और यहाँ पर यदि बात करें तो आज 11 बजे यहाँ पर आरती होगी और माना जा रहा है कि कल न्यू ईयर है और यहाँ पर 8 से 10 लाख जो श्रद्धालु है उनकी पहुंचने वालों की संख्या है। और मैं आपको अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि देखिए जिस तरह से आपने बात की 2023 के जश्न की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालु भक्त जो है वो यहाँ पर भगवान गणेश जी के आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। ऋषभ कविता, बहुत ज्यादा यहाँ पर श्रद्धालु दिख रहे हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए। अपने आराध्य के दर्शन करने तो आए हैं, इस बार कौन सी मन्नत लेकर आए हैं 2023 में पूरी करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं ऋषभ में बात करूंगी, उससे पहले हम पंडित जी से बात कर लेते हैं। दीदी, क्या कुछ तैयारी है न्यू ईयर को लेकर और कितने यहाँ पर श्रद्धालु भक्त पहुँचने वाले हैं? 2023 इंदौर शहर में भगवान जो कि अपने 15 नवंबर की शुरुआत भगवान गणपति जी के दर्शन से करना चाहते हैं। पिछले वर्ष भी बहुत भीड़ थी, कोविड के कारण 2 साल से मंदिर खुल नहीं पाया है। ऐसा मानना है कि इस बार भक्तों में और अधिक उत्साह है, लगभग कल 7 से 8 लाख लोगों के आने का इसकी संभावना है। मंदिर प्रशासन ने इसके लिए विशेष व्यवस्था की है, बंदे रूट रहेगा पूरा रिंग रोड से, और से लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे और दूसरे और से लोग एग्जिट होंगे। आप देख सकते हैं सामने कविता बने रही हमारे साथ, हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। आप पंडित जी से बात कीजिए, दर्शकों से बात कीजिए, आपके पास वापस से आएंगे, आपसे और भी जानकारी लेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए, जबलपुर से अरविंद जुड़े हुए, जरा उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। अरविंद, जबलपुर संस्कार धानी भेड़ा घाट नर्मदा वहां के तट, वहां पर ग्वारी घाट की अगर मैं बात करूं, धुआंधार की बात करूं, 64 जोगनी की बात करूं, तमाम ऐसे मंदिर हैं जबलपुर में जहां पर लोग वहां पर जाते हैं, वहां पर किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं अरविंद? अरविंद, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है अरविंद से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से उनसे संपर्क करिए। रात 12 बजे की भी है, उसके लिए अभी से वहां पर श्रद्धालु जमा होना शुरू हो गए हैं। नर्मदा के जितने भी तट है वहां पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। अभी सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर सब लोग वहां पर प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद रात के 12 बजने का इंतजार करेंगे। जैसे ही रात के 12 बजेंगे वैसे ही सभी लोग नर्मदा आरती में शामिल होंगे और इसके बाद फिर नए साल के आगमन की एक दूसरे को बधाइयां देंगे। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो धार्मिक परंपरा है हमारे भारतीय संस्कृति की, उसका भी निर्वहन किया जाएगा और इसके साथ ही जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है वो फिर उसके बाद वहां पर शुरू होगा, जमकर आतिशबाजी होगी और साथ में कई चीजें होंगी। अरविंद, आपके पीछे साज सज्जा दिखाई दे रही है, डेकोरेशन की गई है नए साल के चलते, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, कैसे वो 2023 का स्वागत करने वाले हैं और अलविदा कहने वाले हैं आज 2022 को? जी बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि प्लीज वो भी हमारे साथ आए और हम अपने कुछ दर्शकों से बात कर पाए। तो ऐसा आप लोगों से बात करना चाहेंगे सर, न्यू ईयर सेलिब्रेशन कैसे हो रहा है आपका? न्यू ईयर सेलिब्रेशन किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि बीते 2 वर्ष कोरोना की बीमारियों में व्यतीत हुए हैं और बहुतों ने अपने परिजनों को खोया है। तो अब ये जीवन की एक प्रकार से नई शुरुआत है सभी लोगों की जो इस महामारी से बचे हैं, तो जाहिर है कि वो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। मैडम, क्या सेलिब्रेशन के साथ पूजा वगैरह परंपरा जो होती है वो भी कुछ रहेगी क्या आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद, आप दर्शकों से बात कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए, किस तरीके से 2023 का आगाज का वो तैयारियां कर रहे हैं, जरा उनसे बात से आपके पास आऊंगा। रायपुर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, दिलीप के पास जाऊंगा। दिलीप, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी, बड़ा प्यारा शहर, नया रायपुर बन चुका है, वहां पर भी बहुत अच्छे से जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ है और तालाब है, बूढ़ा तालाब की मैं बात करूं, कटोरा तालाब की मैं बात करूं, अभी तो और ज्यादा डेवलप हो गया है। 2023 में किस तरीके से वहां पर साज सज्जा और किस तरीके से लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि नए राजधानी रायपुर में नए वर्ष के स्वागत के लिए लोगों में आ है। राजधानी रायपुर की बात करें तो तमाम जगहों पर, सभी होटल्स पब बड़े जगहों पर सेलिब्रेशन की तैयारियां है, अलग अलग तरीके से बाहर से
बड़े बड़े कलाकार्स और बैंड्स आए हुए हैं। इसके अलावा राजधानी के जो तमाम वासी हैं, अभी हम लोग जो मौजूद हैं यहाँ पर राजधानी के रायपुर के तेलीबांधा तालाब है जिसको मरीन ड्राइव भी कहते हैं, और इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं स्वागत की तैयारियों के लिए पूरा व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा लोग दोस्तों के साथ परिवार के साथ नए वर्ष की स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं, और ये पूरा जो इलाका है लाइटों से सराबोर है, खूबसूरत रूप से सजाया गया है। आप देख सकते हैं ये तेलीबांधा का जो दोनों किनारे हैं वहाँ पर तैयारियां हैं और लोग परिवार के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर फूड लैब्स है, यहाँ पर लोग एंजॉय करने परिवार के साथ आ रहे हैं, और सभी में एक खासा उत्साह है और नव वर्ष के स्वागत के लिए सभी अपने अपने तरीके से करते हैं, कोई दोस्तों के साथ करते हैं, कोई अलग अलग तरीके से करते हैं, सुबह मंदिर जाकर करते हैं। रायपुर में तेलीबांधा के पास जिस तरीके से दिल्ली की तर्ज पे हौज खास का निर्माण किया गया, छोटा सा हौज खास कहते हैं इसे, और जिस तरीके से यहाँ फूड जोन बनाया गया काफी दिलचस्प है। यहाँ का फूड भी बहुत है, लेकिन इस बार और भी ज्यादा बहुत क्रेजी होने वाला है। 2023 में हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, कविता हमारी हुई थी इंदौर से, और अरविंद जबलपुर से जुड़े हुए थे, दिलीप रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तीनों सहयोगियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे जश्न और जय की, परंपराएं लगातार अरविंद जारी रहेंगी। 2023 का आगाज होने वाला है, आज 2022 का आखिरी दिन है। अब 2023 देखने वाली बात है कि किस तरीके से नया होगा, क्योंकि अभी तो लगा नहीं, 12 के बाद शुरू हो जाएगा 2023। ऋषभ, सबसे ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, कोरोना का जो वेरिएंट है वो आ चुका है नया भारत में। अमेरिकी वैज्ञानिकों का कहना है कि वो खतरनाक है, तो ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। एंजॉय कीजिए लेकिन अपना ध्यान भी रखिए। बिल्कुल।